फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स माइंड। मैं हूं इंजीनियर प्रकाश और आज मैं आपको एक्सेल से जुड़ी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंजीनियर्स माइंड। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल इंजीनियर्स माइंड को और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स देखने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक्सेल के पेस्ट ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम बहुत सारे लोग कंट्रोल सी और कंट्रोल वी तो जानते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल वी जिसको हम कि पेस्ट कहते हैं, मतलब कॉपी करके पेस्ट जब हम करने जाते हैं, उसमें कई और सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पेस्ट में पेस्ट स्पेशल क्या है। आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक सीट है जिसमें हमने कई सारे स्टूडेंट्स के नेम, मार्क्स और परसेंटेज दे रखे हैं। परसेंटेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फार्मूला लगा रखा है, जबकि मार्क्स में कोई फार्मूला नहीं है। मार्क्स में सिर्फ वैल्यू है। और परसेंटेज कॉलम में आप देखिए, यहाँ पे हमने परसेंटेज का फार्मूला लगा रखा है। अब सपोज यहाँ पे हमको जो ये परसेंटेज है, इसको अगर हमको कहीं कॉपी करके और पेस्ट करना है, हमने कंट्रोल सी यहाँ पे किया या कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम सिंपली, और अगर हम यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट करते हैं, तो ये देखिए इसकी वैल्यू 0.0 आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ में फार्मूला कॉपी हो जाता है, और उस फार्मूले में यहाँ में F3 है। F3 इस F कॉलम में कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 0.0 वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर इसको हम दूसरे ऑप्शन के थ्रू पेस्ट करें, आप देखिए अगर हमको इसकी वैल्यूज पेस्ट करना है, तो आप जब यहाँ पेस्ट पर जाएंगे, सपोज इस सेल में हमको पेस्ट करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के पेस्ट का ऑप्शन है आपके पास। आप फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं, या आप उसकी वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं, या उसका फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हैं, ये कई सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ में सपोज हमको इसकी वैल्यू सिर्फ लेनी है, तो हमने वैल्यू पे क्लिक किया और ये पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए जो इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है, वो यहाँ पे पेस्ट हो गई। हमने यहाँ में इसको लिमिट कर रखा है, डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये देखिए सेम यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब दूसरा एक इसमें पेस्ट में एक और ऑप्शन है जिसको हम ट्रांसपोज का करते हैं। सपोज ये जो नेम में जो नेम कॉलम है, जो इसमें आइटम है, अगर हम इसको, इस कॉलम को हम अगर एज ए रो पेस्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, अब इसको अगर हम चाहते हैं कि ये रो में आ जाए, जैसे सपोज ये कॉलम है, अब इस तरह के रो में आ जाए, तो हमने यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे, और यहाँ पेस्ट स्पेशल में आप देखिए एक ऑप्शन है नीचे में, बिल्कुल है ट्रांसपोज का। हम अगर इस पर क्लिक करते हैं ट्रांसपोज पे, तो ये देखिए सारे नेम जो रो में थे, अब वो कॉलम में पेस्ट हो गए। तो ये कई सारे इसमें फीचर्स हैं पेस्ट में, जो हमको पता नहीं होता। अब जैसे सपोज ये जो फार्मूला का कॉलम है, अगर हम इसका सिर्फ फार्मूला हमको पेस्ट करना है, तो हम यहाँ में जा करके और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, और यहाँ से हम सिर्फ फार्मूला जो है उसको कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो ये पेस्ट में कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसको, कई सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके एक्सेल में आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के ऊपर ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर्स माइंड।